हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एसडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज में एक ट्यूटोरियल देखे हैं सी प्रोग्रामिंग हिंदी, और आज हम हमारे इस ट्यूटोरियल में देखेंगे व्हाइल लूप इन सी के। सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप क्या होते हैं, इसके पहले हमने लूप क्या होते हैं ये जाना था, और फॉर लूप क्या होता है उसके बारे में देखा था, और उसका एक प्रोग्राम बनाया था। आज हम व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइल लूप बेसिक जो लूप होते हैं उन्हीं की तरह एक रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी वैल्यू का आप नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप इज द व्हाइल लूप इज द एंट्री कंट्रोल लूप। जो व्हाइल लूप होता है उसे हम एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। व्हाइल लूप का दूसरा नाम एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए होता है, हम इसको इसके सिंटैक्स के थ्रू जानते हैं। तो आप देखिए, हमने फॉर लूप देखा था, तो फॉर लूप में एक ही लाइन में पूरी कंडीशन थी, जैसे जो इनिशियलाइजेशन था वो कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है टॉप पर, आप जब वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तब उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, देन उसके बाद में व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन, देन यहाँ पर लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, और फिर लिखते हैं अपडेट। तो यहाँ पर ही कंडीशन चेक हो जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन एंट्री पर ही चेक हो जाती है, इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। तो हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेन फंक्शन बना हुआ है। हम यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर ए, और यहाँ पर ए को हम इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो हम ए को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। आपने फॉर लूप में भी देखा होगा ए इक्वल टू 1, ए लेस देन 10, देन ए प्लस प्लस, इस तरह से लिखते थे। यहाँ मैं लिखूंगा व्हाइल, कंडीशन लिख देते हैं ए लेस देन इक्वल 10, जब तक ए लेस देन इक्वल 10 के तब तक ही लूप चलेगा। देन यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ स्पेस देके परसेंटेज डी, और जो ए की वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो। तो हम इसे सबसे पहले रन करके देखते हैं, तो ये इनफाइनाइट चली गया क्योंकि हमने एक गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर से ए को इंक्रीज नहीं करा, तो ए प्लस प्लस कर देते हैं। तो ये देखिए 0 से लेकर 10 तक हमारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। तो इसको हम एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। व्हाइल लूप में आए, व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हुई ए लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू, ए जो है वो 1 है और 1 10 से छोटा होता, तो ए प्रिंट हो गया। देन फिर अपडेट हुआ तो ए की वैल्यू हो गई 2, फिर कंडीशन चेक हुई ट्रू होती है, इस तरह होती गई। जैसे ही कंडीशन 11 होती है कंडीशन फॉल्स होती है और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, इसीलिए ये केवल 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा व्हाइल लूप के सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सर लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है engineersworld.in, जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों के वीडियो ट्यूटोरियल और नोट्स हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आप उस वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करें, आपको उस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।